खैरपुर नाथन शाह में जरिए पानी की अदब फरामी के खिलाफ काश्तकारों, मजहबी रहनुमाओं, व्यापारियों और शहरियों समेत सियासी समाजी शख्सियात की रहनुमाई में एक बार इंडस हाईवे शेल पंप के मकाम पर शामियाने लगाकर एहतजाजी धरना दे दिया। धरने में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। धरने में शरीक तमाम अफराद की जानिब से महकमा इन्हार के हमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जबकि इंडस हाईवे पर दिए गए धरने के बाइस कराची से पंजाब जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ये जो हमने धरना दिया है, पहले भी धरना 21 तारीख दिया था, अभी जो एसी आया था, इंजीनियर आया था, वो उसी ने वायदे कर गए थे। अभी देखो पानी है ही कौन, ये बड़ा इरीगेशन के इदारा जुल्म किया है आबादगार बायरों से, गरीबे से। जब मई में नारा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास थोड़ा पानी भी नहीं आया है। एक बार फिर हम रोडों पे आए हैं, इसकी वजह सिर्फ पानी है। हमारे यहाँ ये सरमायादार निज़ाम और ये वडेरों का निज़ाम, ये जो अभी ज़ोर और शोर से आ गया है इस हुकूमत में, ख़ास तौर पे पहले भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती थीं, लेकिन रोडों पे लोग जब आते थे तो उसका अजाला होता था। आज हालात वो हो गए हैं, रोडों पे तो क्या लोग खुदकशियां कर रहे हैं, किसी पे कोई असर नहीं हो रहा है, पानी नहीं है हमारे पास। हमारे जो केनाल तो केनाल, लेकिन इंसान के पीने के लिए पानी नहीं है, जानवर मर रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं। जो बीज हमने 8,000 9,000 रुपये के एक थैली 5 किलो की खरीदी थी, वो बीज हमारा जो सूख रहा है। जो एहतजाजी धरना है वो पानी की किल्लत की वजह से, राइस केनाल और नाडा डिस्ट्री में जो है पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी लोग पानी पीने के लिए भी परेशान हैं, जिस वजह से जो है यह आज का हमारा एहतजाजी धरना है। हमारा मुतालबा यही है कि राइस केनाल के जो है पानी दिया जाए, उनके निकलने वाले शाखों और जो है राइस केनाल में आखिर तक पानी पहुँचा कर जो है आबादगारों को फाका कशी से बचाया जाए। आज ये जो हमारा धरना है, ये राइस केनाल और उनके जो शाखे निकल रहे हैं उनके उनमें पानी की किल्लत के खिलाफ है, ये आबादगारों का धरना है। ये धरना हमारा इस वजह से कि शाखों में पानी नहीं है और हमारे जो किसान हैं वो मजबूर हो चुके हैं कि हमारे में फसलें तबाह हो चुके हैं, हमारे ज़मीनें गैराबाद हो चुके हैं। और इधर ये जो तालका है हमारा, ये एग्रीकल्चर पर मबनी है, जब हमारी एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी तो हमारा इलाका जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे डाकों का। ये हमारा आबादगारों किसानों का एहतजाजी धरना है, ये इस मकसद के लिए है कि हमें जो मई में पानी दिया जाता था, आज अगस्त हो रही है लेकिन हमें पानी नहीं दिया गया, और पानी न होने की वजह से यहाँ जितने भी केनाल हैं, राइस केनाल, नारा डिस्ट्रिक्ट और जितमीर मम शाख, जितने भी शाखे हैं वो बर्बाद पड़ी हुई है पानी न होने की वजह से। यहाँ गैर आबादी होने की वजह से लोग अपने मकानात को छोड़ करके कल मकानी पे मजबूर हो गए। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर राइस केनाल को पानी दिया जाए और किसानों के मुतालबात मंजूर किए जाए।